अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे आर्टिस्ट जो हैं वो सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सो जो पेज हमने आज करना है, जो हमने आज वर्क करना है वो है पेज नंबर 40 पे। ठीक है, पेज नंबर 40 पे आप देख सकते हैं कि हमने ओरिगेमी जो हम आर्ट करते हैं उसमें हमने ट्यूलिप फ्लावर जो है ना वो बनाया हुआ है पेपर से। ठीक है, सो पेपर मेकिंग जो आर्ट होता है उसको हम ओरिगेमी आर्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक पेपर लेना है। तो ये पेपर मैंने लिया, अब हमने इतना बड़ा साइज़ तो नहीं यूज़ करना, तो उसको मैं हाफ कट करूँगी और हाफ कट करने के बाद जो साइज़ आएगा, ठीक है, उससे हम स्क्वायर किस तरह लेते हैं आपको बताऊँगी। सो मैंने पेपर को हाफ फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बहुत ईजिएस्ट वे जो है, हम कोई भी स्क्वायर शेप हमें चाहिए होती है तो उसका सबसे ईजिएस्ट वे जो है वो ये है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इक्वल करेंगे और ये हमारे पास जो है स्क्वायर शेप आ गई। ठीक है, अब हम इस साइड को कट कर देंगे, हमारा जो एरिया है जो कट होके उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, सो ये शेप आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसे आप यहाँ देख सकते हैं पहला शेप हमारा ये रहा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे। सो हमने यहाँ हाफ फोल्ड किया, सही। फोल्डिंग देख के करेंगे, अब हाफ फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं ये शेप में हमारा सेकेंड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने इसे इस तरह फोल्ड करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ फोल्ड किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसे नंबर 4 पे हम अब यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, सो अब इसको हम यहाँ से हाफ फोल्ड करेंगे। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है अब उसको हम फोल्ड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने पेपर लिया और सेम जो है वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये सेम फोल्ड करके जो है ना इसको स्क्वायर शेप में कट कर दिया। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर शेप है, इसको मैंने टर्न किया। ठीक है, और मैं क्या करूँगी, आप ये देख रहे हैं पॉइंट जहाँ पर लाइन्स हैं, उस लाइन्स तक इसको हम फोल्ड कर देंगे, बीच में जो मिडिल की लाइन आ रही है ना, अब यहाँ पर हमने उसको फोल्ड करना है। ठीक है, सो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, अब यहाँ से भी इस तरह फोल्ड करेंगे। आप जो है रफ पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई रफ कॉपी है, रफ रजिस्टर है, ठीक है, आप उस पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास घर में न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर तो सबके घर में ही होता है। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर लें और न्यूज़पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस करें, आप बाद में उसके ऊपर पेंट कर दें तो पेंट से वो कवर भी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप ये स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हमने इसे ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है स्टेप्स सारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से तो हमारा फ्लावर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कोई घर में ग्लू स्टिक वगैरह है तो आप उसको अच्छे से पेस्ट भी कर सकते हैं, आपके पास यूएसबी ट्यूब होगी तो आप किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है फ्लावर, हमारा फ्लावर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे तो ये एरिया भी जो है सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से कट करके और उसको जो है अंदर से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पेपर से जो है वो ट्यूलिप फ्लावर बना लिया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी पेपर से पेपर कट करके या पेपर पे कुछ ड्रॉ करके या वैसे भी फोल्ड करके हम कोई भी चीज़ जो है वो बना सकते हैं। इसको कहते हैं ओरिगामी आर्ट। ठीक है, ओरिगामी आर्ट कहते हैं और इसमें आप बहुत सी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, जिस तरह से पेंसिल बॉक्स हो गया। पेंसिल बॉक्स तो बहुत ही अच्छा बनता है, इंशाल्लाह कभी हम ट्राई करेंगे। हम पेपर को फोल्ड करते हैं वो हमें 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल जो है वो एक ऑब्जेक्ट की लुक देता है। ठीक है,
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप न्यूज़पेपर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी घर में रफ पेपर हो, न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सबके पास घर पे होता है। उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको पेपर से भी इस तरह से बना सकते हैं और किसी पेपर के ऊपर लगा सकते हैं, किसी कार्ड के ऊपर भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी इसकी लुक आएगी। पेपर कटिंग में और पेपर आर्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कुछ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मानी क्लास, अल्लाह हाफिज़।